नमस्कारम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वेरी झकास वीडियो में। बिकॉज आ चुका है थारा भाई लल्लन टॉप जानकारी लेकर के। जैसे कि हमारे गेम में चूज वन ऑफ थ्री फ्री गन स्किन का इवेंट आ चुका है। सिमिलर इसी तरह से पिछले साल होली के समय ब्लेज ऑफ ग्लोरी इवेंट आया था, जिसमें तीन इमोट थे, हमें एक इमोट चूज करना था। तो इस बार होली स्पेशल ब्लेज ऑफ ग्लोरी या चूज वन ऑफ थ्री इवेंट में कौन कौन से नए आइटम आने वाले हैं, जो जो इवेंट की जानकारी मुझे पता चली है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इतना ही नहीं दोस्तों, होली के पहले रमदान इवेंट स्टार्ट होने वाला है और हर बार जब भी रमदान इवेंट आया है हमें बहुत सारे फ्री के रिवॉर्ड्स मिले हैं। तो इस बार रमदान स्पेशल कौन कौन से फ्री के रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, ये भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। गजब। हमारे गेम में आने वाली अपकमिंग ईओ गन, ईओ इवेंट, फ्री फायर की न्यू अपडेट, आप लोगों के फनी कमेंट, फ्री फायर की मस्त वाली मीम, बोले तो ये वाला वीडियो वेरी अमेजिंग, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव होने वाला है। तो चलिए वीडियो को फटाक से शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस, सबसे पहले अब मैं आपको बहुत ही मजेदार जानकारी बताने वाला हूँ और वो है ईओ गन के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, हमारे गेम में MP40 की सबसे पहली ईओ गन कोबरा MP40 आई थी। उसके बाद फ्री फायर वालों ने एक और नई ईओ MP40 2.0 बना दी, जिसका नाम है क्रोमासोनिक MP40। सिमिलर M10 गन के साथ भी हुआ। अभी हमारे गेम में दो ईओ M10 गन की स्किन है, अब होने वाला है स्कार के साथ में। अभी हमारे गेम में सिर्फ एक ही ईओ गन है स्कार की, जिसका नाम है स्कार मेगलोडॉन अल्फा। लेकिन नेक्स्ट अपडेट में हमारे गेम में एक और ईओ स्कार 2.0 गन की स्किन आने वाली है। तो मैं आपको ईओ स्कार 2.0 के बारे में बताऊं, उसके पहले हम बात कर लेते हैं ईओ वॉलेट के बारे में, क्योंकि कुछ घंटे के बाद में नया वाला ईओ वॉलेट आने वाला है। तो अभी हमारे गेम के ईओ वॉलेट में चार ईओ गन की स्किन है। पहली है ईओ AN94, ईओ स्कॉर्पियो सेटर M10 गन की स्किन, ईओ उटपेकर और ईओ UMP। तो इन चारों ईओ गन का रोटेशन होने वाला है। जो नया ईओ वॉलेट आने वाला है उसका बैनर निकल कर आ चुका है। तो जो न्यू गन आने वाली है उसमें रहेगी क्रोमासोनिक MP40 की ईओ स्किन, साथ ही में ईओ M4A1 जो ईओ AN94 है और ईओ UMP है वो एज इट इज रहेगी। फ्री फायर वालों ने इस बैनर में ये भी लिखे हैं कि गारंटीड 50 या 50 से भी कम स्पिन में हमें कोई न कोई ईओ गन की स्किन मिलेगी। और अगर हमारे पास में कोई ईओ गन ऑलरेडी पहले से रखी हुई है और दोबारा से वही ईओ गन हमें मिल जाएगी, तब हमें उस गन की ईओ टोकन्स मिलेगी। सो गाइस, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ईओ स्कार 2.0 में क्या क्या खासियत रहने वाली है। तो ईओ स्कार 2.0 जब लेवल 4 की रहेगी उसमें हिट इफेक्ट अनलॉक होगा, और हिट इफेक्ट ना जो ईओ AK है ना, उसी तरह से ईओ AK के जैसे ही इसमें हिट इफेक्ट ब्लू कलर का रहने वाला है। इसकी एबिलिटी में डैमेज रहेगा डबल प्लस, रेट ऑफ फायर रहेगा सिंगल प्लस, रिलोड स्पीड रहेगी सिंगल माइनस, और इसमें ये भी सेटिंग रहेगी कि हम लोग मेगलोडॉन अल्फा की जो एबिलिटी है वो इसमें लगा सकते हैं। जब ये लेवल 5 की हो जाएगी तो इसमें किल इफेक्ट कुछ इस तरह से दिखेगा, ये रहेगा इसका फायरिंग इफेक्ट। और इस ईओ स्कार 2.0 गन की एक्स्ट्रा एबिलिटी ये रहेगी कि अगर कोई एनिमी मूविंग पोजिशन में रहेगा, मतलब कि इधर उधर रन करते रहेगा या फिर मूव करते रहेगा, तब उसको ज्यादा डैमेज लगेगा। और ये रहेगा ईओ स्कार 2.0 का फुल लुक, कुछ इस तरह से ईओ स्कार 2.0 दिखने वाली है। अभी इसका एक्सक्लूसिव इमोट बनके तैयार नहीं हुआ है, जैसे ही बनके तैयार हो जाएगा मैं आपको दिखा दूंगा। साथ ही में ईओ स्कार 2.0 के थीम पर कुछ आइटम डिजाइन किए जा रहे हैं, जैसे ही वो भी बनके तैयार हो जाएंगे मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। तो इस तरह से हमारे गेम में बहुत जल्द ईओ स्कार 2.0 भी आने वाली है। बवाल चीज है वे। वेल गाइस, अब हम बात करेंगे रमजान या रमदान इवेंट के बारे में। तो बहुत सारे सर्वर पर ये वाला बैनर निकल कर आ रहा है जिसमें लिखा है रमदान अप, ऊंट के ऊपर केली बैठी हुई है और नीचे लिखा है कमिंग सून, मतलब कि रमदान इवेंट कुछ ही दिनों के अंदर स्टार्ट होने वाला है। तो जैसे ही हमारे गेम में रमदान इवेंट स्टार्ट होगा तब हमारे गेम में स्टेचू का अपडेट आने वाला है। जिस तरह से हमें उकोंग कैरेक्टर की स्किल स्किन का स्टेचू गेम में अलग अलग लोकेशन पर देखने मिलता था, सेम उसी तरह से रमदान स्पेशल ये वाला स्टेचू आने वाला है। ये स्टेचू किसका है कमेंट बॉक्स में बता देना। तो गेम में जब हम इस स्टेचू के पास जाएंगे और वहां पर एक यूज का बटन रहेगा, जैसे ही यूज के बटन पर क्लिक करेंगे हमें लूट मिलेगी और टोकन मिलेगी। टोकन जो मिलेगी उसे हम लोग रिवार्ड को क्लेम करने पर लगाएंगे। तो इस तरह से ये वाला स्टेचू का अपडेट आने वाला है। और यार, पिछले साल जो रमदान इवेंट आया था ना, उसमें तो बहुत सारे फ्री के रिवॉर्ड्स मिले थे, जैसे कि नेम चेंज कार्ड, कस्टम रूम कार्ड, पैराशूट का स्किन, बैकपैक का स्किन, सर्प बोट, पेट की स्किन, मॉन्स्टर ट्रक, रमदान हेलमेट की स्किन, रमदान हेयर की स्किन, कटाना, परांग, मैक्स 7, वेक्टर, कुछ सर्वर पर बंडल मिला था, बहुत सारे सर्वर पर इमोट मिला था, और ग्लोवाल की स्किन मिली थी। हालांकि ये ग्लोवाल की स्किन हमारे इंडियन सर्वर पर रमदान के टाइम
टाइम नहीं मिली थी, लेकिन जब दिवाली रॉयल आया था तो दिवाली रॉयल 1 में ये वाली ग्लूवाल की स्किन हमें फ्री में मिली थी। देखा जाए तो रमजान स्पेशल जो जो रिवार्ड फ्री फायर वाले फ्री में देने के लिए बनाते हैं वो हमें फ्री में ही मिलते हैं। तो अब ये देख लेते हैं कि इस साल रमजान स्पेशल कौन कौन से आइटम फ्री फायर वालों ने फ्री में देने के लिए बनाए हैं। सो रमजान स्पेशल पहला आइटम है ये वाला मास्क जिसका नाम है स्टार डस्क चेकर। सो लीक के हिसाब से ये वाला मास्क हमें फ्री में मिलने वाला है। देन अब ये देखो रमजान स्पेशल हमें रमजान फेस्टिव बॉक्स मिलेगा। इस बॉक्स को ओपन करने पर हमें बढ़िया वाले रिवॉर्ड्स मिलेंगे। उसके बाद ये देखो रमजान स्पेशल 4 बंडल बनाए गए हैं जिनमें से एक बंडल फ्री में मिलने वाला है। अब वो बंडल फीमेल का भी हो सकता है मेल का भी हो सकता है, लेकिन ये जो केमल वाला बंडल है ना शायद से ये फ्री में नहीं मिलेगा, बाकी ये 3 बंडल में से कोई एक बंडल मिल सकता है। रिवॉर्ड्स की ओर आगे बढ़े तो इस बार फ्री फायर वालों ने रमजान स्पेशल ग्लूवाल की स्किन भी बनाए हैं, तो हो सकता है कि इस बार ग्लूवाल की स्किन फ्री में भी मिल सकती है नहीं भी मिल सकती है। देन ग्रेनेड की स्किन, पेन की स्किन, कटाना की स्किन ये हमें फ्री में मिलेगी। और मैंने आपको ये भी बताया था ना कि इस बार रमजान स्पेशल ग्लिस्टनिंग नाइट्स की 2 गोली वाली शॉटगन की स्किन आने वाली है। इसकी एबिलिटी इतनी खास नहीं है तो हो सकता है कि ये वाली शॉटगन की स्किन 10% चांसेस है कि ये हमें फ्री में मिले, बाकी सस्ते वाले डायमंड के इवेंट में भी आ सकती है। देन ये लेजेंडरी स्कारगन की स्किन तो फ्री में नहीं मिलेगी, पर ये वाला लूट बॉक्स और पैरासूट का स्किन फ्री में मिलेगा। तो इस तरह से रमजान स्पेशल फ्री के रिवॉर्ड्स बनाए गए हैं। तो जैसे ही कैलेंडर निकल कर आएगा मैं आपको एक और बार दिखा दूंगा। दोस्तों अब मैं आपको मेरे मीम के पिटारे से फ्री फायर की ऐसी मीम दिखाने वाला हूँ जिसे देख करके आप हंसोगे, गुस्सा होगे और रिलेट भी कर पाओगे। 3, 2, 1 अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो एक कमेंट जरूर कर देना। ये भगवान क्या जुलुम है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। दिमित्री नाम तो सुना ही होगा, बिकॉज इसकी वजह से पूरा स्क्वाड इजीली रिवाइव हो जाता है। और आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि भाई आप दिमित्री कैरेक्टर की वजह से राउंड हार गए होंगे। सही कह रहे हो सर, आप बहुत सही कह रहे हो। अगर ऐसा हुआ होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में उस घटना के बारे में बता देना। और अगर चैनल पर नए होंगे तो ऐसी अमेजिंग वीडियो डेली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे लोल इमोट के बारे में, क्योंकि फ्री फायर की तरफ से लोल इमोट को प्रमोट किया जा रहा है। ये देखो फ्री फायर वालों के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में लोल इमोट से रिलेटेड पोस्ट किया गया है। फ्री फायर मैक्स का एडमिन हाँ मीमर बात तो सही है। तो गाइस लीक ऐसी मिली है कि लोल इमोट बहुत जल्द हमारे गेम में रिटर्न आने वाला है। तो लोल इमोट या तो हमें मिस्ट्री शॉप में देखने मिलेगा या फिर इमोट पार्टी आने वाला है। अगर इमोट पार्टी में नहीं आया तब हमें इमोट कैप्सूल इवेंट में लोल इमोट देखने मिलेगा। सो जिनका ये क्वेश्चन रहता है कि लोल इमोट कब आने वाला है शायद उन्हें पता चल गया होगा। मजा आया। और यार जैसे कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बोला था कि फ्री फायर वाले बड़ी मार्ट में बड़ी कॉइन लेने के लिए कुछ नए मिशंस देने वाले हैं। सो फ्री फायर वालों ने ये देखो कुछ नए मिशंस हमारे गेम में दे दिए हैं जो कि हर रोज 4 बजे तरफ रिफ्रेश होगा। इसमें हमें 4 बड़ी कॉइन मिलेंगे। इस मिशन में 4 बड़ी कॉइन लेने के लिए हमें अपने फ्रेंड के साथ 20 मैचेस खेलना पड़ेगा। तो इस तरह से गाइस हमारे गेम में कुछ नए मिशंस आ गए हैं। अगर आपको बड़ी मार्ट से रिलेटेड और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ओके चलिए गाइस अब हम बात करेंगे ब्लेज ग्लोरी या चूज वन ऑफ 3 इवेंट के बारे में। तो पिछली बार 1 जनवरी 2023 को फ्री गन स्किन्स का इवेंट आया था जिसमें 3 गन की स्किन्स में से 1 गन की स्किन फ्री में मिली थी। उसके बाद फ्री इमोट का ब्लेज ऑफ ग्लोरी आया था जिसमें 3 इमोट थे, 3 इमोट में से 1 इमोट चूज करने का ऑप्शन आया था। सिमिलर उसी तरह से अभी हमारे गेम में फ्री गन स्किन्स का इवेंट आ चुका है जिसमें 3 गन की स्किन में से 1 गन की स्किन चूज करना है। तो इस हिसाब से अगर फ्री फायर वाले ये प्रथा को कंटिन्यू करते हैं तब अगला इवेंट हमें चूज वन ऑफ 3 इमोट वाला देखने मिलेगा जिसमें हमें इमोट्स मिल सकते हैं। और मुझे ना बहुत टाइम पहले एक एक्सेस मिला था जिसमें 3 ग्लोवाल की स्किन थी, 3 ग्लोवाल स्किन में से 1 ग्लोवाल की स्किन चूज करना था। तो देखते हैं गाइस कुछ दिनों के बाद में फ्री गन स्किन का इवेंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगला इवेंट आएगा। तो जैसे ही कंफर्मेशन मुझे मिलेगा मैं आपको एक और बार बता दूंगा। तो यार बस इस वाले वीडियो में इतनी ही जानकारी रखते हैं। अगर आपके माइंड में और कोई सवाल आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल जरूर रखिएगा।